हेलो एवरीबडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नील टाउन योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की। आ गया है आखिरी पड़ाव जो है हमारा क्लासेस, अलग अलग क्लासेस। उसमें हमने ऑलरेडी देख ली है साइक्लोस्टोमेटा और देख ली है चॉन्ड्रिक्टाइस। मिस हुआ है लिंक ले लीजिए, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लास ऑस्टेइchthyes। अब वो फिश आ रही है जो हम अपने एक्वेरियम में आराम से देखते हैं, ठीक है। चलिए सो हम देखेंगे क्लास ऑस्टेइchthyes। उससे पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। नाउ ऑस्टेइchthyes इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केलेटन। जब हम बात कर रहे थे चॉन्ड्रिchthyes की, तभी मैंने आपको बताया था कि ऑस्टेइchthyes और चॉन्ड्रिchthyes में यही डिफरेंस है कि ऑस्टेइchthyes जो होती हैं इनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडो इनसाइड ऑब्वियसली लाइक अस, तो इनका जो स्केलेटन है वो बोनी है, बोन्स का बना हुआ है। और जो चॉन्ड्रिchthyes थी उनका किसका बना हुआ था, कार्टिलेज का। मेजर मेजर डिफरेंस, ठीक है। सो दीज आर विद योर बोनी एंडोस्केलेटन। बॉडी स्ट्रीमलाइन, जितनी भी फिशेस हैं, ठीक है, आप अगर इनको देख लो, किसी को भी देख लो, बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन है। क्यों? ताकि इनको स्विम करने में बहुत आसानी हो जाए। अब अगर आपको स्विम करना और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फैली हुई है तो मुश्किल होगी ही। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? जब भी आप फिश बनाते थे बचपन में, ऐसी ही किसी तरीके की फिश बनाते थे, राइट, और यहाँ बबल्स बना देते थे, है ना। तो ये बबल्स जो बनाते थे ये ऊपर की तरफ जाते थे। माउथ टर्मिनल पे है, यानी अगर इस तरीके से मैं ड्रॉ करूंगी, ठीक है, तो ये एक टर्मिनल हो गया, ये एक टर्मिनल हो गया, तो इनका माउथ एक एंड पे सिचुएटेड है, ठीक है। सो हेंस द माउथ इज टर्मिनल मोस्टली। नाउ दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड। अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, ये जो है ना, ये गिल्स को कवर कर रहा है, यहाँ पे भी बहुत प्रोमिनेंट है ये। आपको कभी भी इनके गिल्स नहीं दिखेंगे। जो साइड में गिल्स दिखते हैं माउथ के जस्ट पीछे, जैसे शार्क में थे, डॉग फिश में थे, चॉन्ड्रिchthyes में ओपन थे, सेपरेट थे, अलग अलग थे, कवर्ड नहीं थे। यहाँ पे कवर्ड है, और वो जो कवर है, जो फ्लैप टाइप का है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपर्क्यूलम। दूसरा डिफरेंस चॉन्ड्रिchthyes ऑस्टेइchthyes में, रादर तीसरा भी कह सकते हो, क्योंकि पहला ये फ्रेश में मिलते हैं, वो फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस उनका कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, इनका क्या है, बोनी। तीसरा डिफरेंस, वहां ओपर्क्यूलम नहीं है, कवर नहीं है, यहाँ कवर है। जो आपकी ऑस्टेइchthyes है, यहाँ पे आपको गिल्स के ऊपर एक कवर दिखेगा, एक कवर मिलेगा। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स। वहां प्लेकॉइड थे, यहाँ साइक्लॉइड या टेनॉइड है। मैं आपको क्यों इस तरीके से बता रही हूँ, ताकि एक बार और रिवीजन हो जाए चॉन्ड्रिchthyes में क्या थे। जितना आप डिफरेंस करके याद रखोगे, जितना आप डिफ्रेंशिएट करके याद रखोगे, उतना ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा दोनों क्लासेस को इकट्ठे याद करना, ठीक है। हमेशा बनाया ना इस तरीके के फिश में स्केल्स, हम लोगों ने बचपन में जब भी कोई ड्राइंग होती थी, एक्वेरियम बना दो, ये बना दो, तो ये जो स्केल्स बनाते थे हम लोग, ये कौन से आपके साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स, ठीक है। नाउ एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायंसी। बायंसी मतलब बाउंस करना नहीं, कि अगर आप नहीं तैर रहे हो तो भी आप फ्लोट कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू योर फ्लोटिंग। चॉन्ड्रिchthyes में एयर ब्लैडर नहीं था, इससे उनको कंटिन्यूसली स्विम करना था। यहाँ एयर ब्लैडर है, सो ये ना भी स्विम करें कंटिन्यूसली तो चल जाएगा। आपने देखा होगा जो एक्वेरियम में फिशेस होती है, नेसेसरी नहीं है कि वो पूरा टाइम स्विम ही करती रहे, वो कभी कभी रुक भी जाती है। कौन हेल्प करता है उनको? नाउ यू नो, एयर ब्लैडर, ठीक है। नाउ हार्ट इज 2 chambered, 1 auricle, 1 ventricle। ये फिशेस में है आपकी दोनों ही टाइप की, कि हार्ट जो है आपका 2 chambered है सिर्फ। नाउ नेक्स्ट दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड यानी फिर से कौन से हो गए आपके, पोइकिलोथर्मल, यानी कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। जो उनके एनवायरनमेंट में है, जो उनके सराउंडिंग में है, उसी हिसाब से उनका बॉडी का टेम्परेचर होगा। क्लियर? सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, मोस्टली ओविपेरस, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। लार्वल स्टेज एब्सेंट है, एग लेइंग है, ठीक है, और डेवलपमेंट जैसे हमने कह दिया डायरेक्ट है, तो सवाल ही नहीं। फर्टिलाइजेशन क्या है, जरूर एक्सटर्नल है। एग्जाम्पल मरीन की अगर हम बात करें यानी कि ओशन वगैरह की, खारे पानी की, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, ये देख रहे हो इसको फ्लाइंग फिश क्यों कहते हैं? एनी आइडिया? बिकॉज ये जंप मार मार के स्विम करती है और ऐसा लगता है जैसे ये उड़ रही है, उड़ती नहीं है, इट जंप्स, ठीक है? सो इसीलिए इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, सी हॉर्स इज विविपैरस। सी हॉर्स जो है आपका, इट इज नॉट एग लेइंग, इट इज विविपैरस। फ्रेश वाटर, लेबियो, रोहू, ठीक है? कैटला, दिस इज कैटला, क्लैरियस, मगूर। एक्वेरियम में कौन सी होती है? बेटा। टेरोफाइलम विच इज योर एंजल फिश, ठीक है? रोहू, कैटला, ये अलग अलग टाइप की हैं। ये दोनों जो हैं ये एक्वेरियम है। अब हाँ, आप ये कर सकते हो कि अलग से आप ये याद कर लो कि आपकी एक्वेरियम की फिश कौन सी हैं, फ्रेश वाटर फिश कौन सी हैं और आपकी मरीन फिश कौन सी हैं। सो अगर एग्जाम्पल पूछे जाए सो यू नो द आंसर, ठीक है? सो ये थी हमारी ऑस्टेक्टाइज, बोनी स्केलेटन, operculum, tenoid scales, mouth is ventral compared to them, ठीक है? बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट याद कैसे रखोगे? स्ट्रक्चर देख के। पेयर्ड फिन्स है, गिल स्लिट्स 4 ही हैं। अब जितना ज्यादा होगा उस तरीके से याद आएगा। सेम पॉइंट्स कौन कौन से? हार्ट जो है आपका वेंट्रल है, हार्ट में 2 ही चेम्बर्स हैं, प्लस अगर आपका टेम्परेचर की बात करें दोनों ही टाइप के पोइकिलोथर्मल है, ये भी पोइकिलोथर्मल है। सो इस तरीके से याद करना है, सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि आज ये एंड हो रहा है पाइसेस वाला। कैसे याद रखोगे? डिफ्रेंशिएट बनाओ, एक इधर चॉन्ड्रिक्टाइस इधर ऑस्टेक्टाइस, या फिर छोड़ो मैं ही बना के दे दूंगी आपको, ठीक है? वो वीडियो मेरी गारंटी है, ये वीडियो मैं आपको बना दूंगी कि क्लास चॉन्ड्रिक्टाइस और ऑस्टेक्टाइस में डिफरेंसेस क्या होंगे, ठीक है? सो फिलहाल के लिए इतना ही। ये थी आपकी क्लास ऑस्टेक्टाइस। आई होप क्लियर होगा, समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो मैं हूँ यहाँ पे, क्वेश्चंस कर लीजिए, बता दीजिए क्या समझ में नहीं आ रहा है। बट उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ेंगे क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है? ऑल्सो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। पोर्टली में बंद, वो पोर्टली खुलेगी जल्दी और जैसे ही खुलेगी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे उसमें गुड न्यूजेज होंगी, ठीक है? सो जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक एनसीईआरटी से इसको रीड करके तैयार रखिए ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लासेस अब टेट्रापोडा की जब स्टार्ट करूं तो आपका ये जो बैकलॉग अगर चल रहा है ना वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, ठीक है? सो विल सी यू सून। सेम आपकी चीजें जो है टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हुए करने का तरीका जो है हमारा वो चलता रहेगा। रीड कर लो, पढ़ लो, नोट्स बना लो, डायग्राम्स याद रखने की कोशिश कर लो ताकि इजी रहे, ठीक है? सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।